क्वेश्चन है, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम इज स्ट्रेच्ड टू डबल द लेंथ सच दैट वॉल्यूम रिमेन्स कॉन्स्टेंट. वॉल्यूम रिमेन्स कॉन्स्टेंट. ठीक है, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम इज स्ट्रेच्ड टू डबल द लेंथ सच दैट वॉल्यूम रिमेन्स कॉन्स्टेंट. कैलकुलेट कैलकुलेट रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी. रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑफ न्यू वायर. वो जो नया वायर बनेगा उसका रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी आपने निकालनी है. Calculate resistance and resistivity of new formed wire. धीरे धीरे से क्वेश्चन क्लियर है या वापस एक्सप्लेन करूं? हेलो, क्वेश्चन क्लियर है? यस सर. आज प्राची तेजस दोनों नहीं आए. हाँ, कितना आया सर? रेजिस्टेंस सॉरी रेजिस्टिविटी सर 2.5 मीटर है. रेजिस्टिविटी गड़बड़ कर दिया इस बार कुलदीप ने. रेजिस्टिविटी क्या होगी इस बार? मैं सबसे पूछूंगा. रेजिस्टिविटी कामाक्षी, रेजिस्टिविटी क्या होगी नए वायर की? रेजिस्टेंस छोड़ो, रेजिस्टिविटी तो बताओ. मतलब रेजिस्टिविटी में आपको सिर्फ बताना है कि 4 टाइम्स हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, डबल हो जाएगी, सेम रहेगी, वो बताना. वो मेरी गलती, मैंने क्वेश्चन में वो मेंशन करना भूल गया मैं. सर रेजिस्टिविटी 1 सॉरी रेजिस्टिविटी सर हो जाएगी, हाफ हो जाएगी सर, सॉरी बढ़ जाएगी, 2 टाइम्स हो जाएगी, 2 टाइम्स हो जाएगी. फर्स्ट गया कुल 4 टाइम्स. 4 टाइम्स 4 टाइम्स 4 टाइम्स सर. फिर क्यों मैं लिख रहा हूँ यार? 2 लिखा था फिर 4 लिख रहा हूँ, लेकिन 4 नहीं लिख रहा. रेजिस्टिविटी को कुछ नहीं होगा कुलदीप. रेजिस्टिविटी विल रिमेन सेम. रेजिस्टिविटी मटेरियल की होती है, वायर की नहीं होती. कॉपर को खींचोगे तो कॉपर ही रहेगा ना, गोल्ड को पुल करोगे आप तो गोल्ड ही रहेगा. मटेरियल थोड़े ना चेंज होगा. हेलो, समझ आ गया. तो रेजिस्टिविटी रिमेन सेम. रेजिस्टिविटी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा. स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द वायर विल रिमेन सेम. तो आंसर में पहला रो, रेजिस्टिविटी रिमेन्स सेम. मतलब वैल्यू आपको नहीं बतानी थी, बताना था चेंज होगा कि नहीं. तो रेजिस्टिविटी रिमेन्स सेम. दूसरा है रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस का क्या होगा? तो रेजिस्टेंस बिकम्स 4 टाइम्स. कैसे? रेजिस्टेंस बिकम्स 4 टाइम्स, दैट इज 40 ओम्स. लेट्स सी कैसे हुआ ये. सो रेजिस्टेंस का रेडी फॉर्मूला क्या हमारे पास? रो एल बाय ए. रेजिस्टेंस इज रो एल बाय ए. लेंथ क्या किया आपने? लेंथ इज डबल, इसको डबल कर दिया. लेंथ डबल करने से रेजिस्टेंस तो डबल हो ही गया, बट एरिया हाफ हो गया. कैसे हाफ हो गया? देखो वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम कांस्टेंट होता है. ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि आप एक वायर लेके आओगे और उसको खींच के
अधिक वॉल्यूम में, ज्यादा वॉल्यूम कर दोगे तो वॉल्यूम तो नहीं अपन चेंज कर सकते, नहीं। तो वॉल्यूम क्या होता है, ए इंटू एल, एरिया इंटू लेंथ। अगर आपने टेंथ में मैथ्स में पढ़ा होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ, दिस इज वॉल्यूम। तो ये वॉल्यूम हो गया। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, ए इंटू एल, ये कॉन्स्टेंट बना हुआ आपका, ठीक है। तो ए इंटू एल इज कॉन्स्टेंट, लेंथ को आपने डबल कर दिया तो एरिया आपका हाफ हो जाएगा। ये आप अपने घर में भी एक्सपीरियंस कर सकते हो। टेक अ रबर बैंड, एक रबर बैंड लो, उसकी थिकनेस देखो, वो मोटा दिखेगा, उसको खींच दो आप, लंबा कर दो, तो उसका थिकनेस कम होता जाता है, एरिया उसका रिड्यूस होता जाता है, राइट। तो अगर आप लेंथ डबल कर देते हो तो क्रॉस सेक्शनल एरिया हाफ हो जाएगा। यहाँ पे लिखा भी है, सच दैट वॉल्यूम रिमेन्स कॉन्स्टेंट। सो इफ यू स्ट्रेच द वायर टू डबल द लेंथ, एरिया बिकम्स हाफ। सो लेंथ क्या हुआ डबल, एरिया क्या हुआ हाफ। इसको डबल कर दिया, इसको हाफ कर दिया, डबल करने से रेजिस्टेंस टू टाइम्स बढ़ गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। एरिया हाफ हुआ तो उससे फिर से एक बार डबल हो गया, तो दो बार डबल कर दिया आपने बेसिकली, तो रेजिस्टेंस बिकम्स फोर टाइम्स। ये समझ में आया आपको? यस सर, यस सर। सो गुड, सो रेजिस्टेंस बिकम्स फोर टाइम्स। व्हाई? बिकॉज लेंथ इज डबल्ड, खींचा आपने, पुल किया उसको, जैसे इलास्टिक बैंड को आप पुल करते हो, तो डबल लेंथ कर दिया तो एरिया उसका हाफ हो गया। तो लेंथ इज डबल्ड, एरिया इज हाफ, रेजिस्टेंस गेट्स डबल्ड टू टाइम्स, सो टोटल रेजिस्टेंस हो गया 10 का डबल, 20 का डबल, 40 ओम्स हो गया। ओके, समझा? ठीक है। yes, so, ये कहानी थी हमारे किसके, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के रिलेशन के। अब रेजिस्टेंस के ऊपर एक आखिरी डिस्कशन करना हमने, वो है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। भले आपको नहीं आता लेकिन आपको आता है, मैंने इतने क्वेश्चंस कराए हैं, बिना वो बताए भी आप सॉल्व कर सकते हो, फिर भी बोर्ड्स में इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, ये हमको पढ़ना है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स मतलब क्या हुआ, रेजिस्टर्स हैं हमारे पास अलग अलग वैल्यू के रेजिस्टर्स हैं, उनको कनेक्ट करके एक नया रेजिस्टर बनाऊंगा मैं, जिसकी इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो होगी चेंज हो जाएगी, कुछ नहीं हो जाएगी। जैसे सपोज आई हैव अ रेजिस्टर ऑफ 2 ओम, 4 ओम, 4 ओम, अगर मैं इनको ऐसा ज्वाइन कर दूं, एंड टू एंड ज्वाइन करूं, एंड फिर इस कॉम्बिनेशन को एक सिंगल रेजिस्टेंस की तरह एक सेल के अक्रॉस यूज करता हूं सपोज, तो अब मुझे 10 ओम का रेजिस्टेंस वैल्यू मिल रहा है। सो 2 ओम, 4 ओम, 4 ओम मिला के मेरे पास 10 ओम का रेजिस्टेंस बना लिया मैंने। आ रहा समझ में? यस सर। अलग अलग तरीके से रेजिस्टेंस को कंबाइन करके मैं नई चीज बना सकता हूँ, नया रेजिस्टेंस बना सकता हूँ। तो दो तरह के कॉम्बिनेशन हमारे सिलेबस में है, बेसिक कॉम्बिनेशंस। एक को बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। व्हाट इज सीरीज कॉम्बिनेशन, व्हाट इज आइडेंटिटी ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन की पहचान क्या है, कैसे पहचानोगे आप कि ये दो रेजिस्टर सीरीज में लगे हुए थे, एक के बाद एक लगे होते हैं बेटा, एक के बाद एक लगे होंगे, लेकिन आपको लगेगा वो सीरीज है या पैरेलल, आपको समझ में नहीं आएगा। अब ये बताओ, ये R1 है, ये R2 है, ये R3, इनमें से कौन से सीरीज में है, कौन से पैरेलल में है? सर R2 और R3 पैरेलल है, और सर जो R2 और R3 दोनों पैरेलल है उनसे सीरीज में R1 लगा। करेक्ट। तो कई बच्चे ऐसे समझ जाते हैं कि R1 और R2 सीरीज में, एक के बाद एक लगाओ, देखो नहीं तो N20 ज्वाइन किया हो ना, तो ये सीरीज नहीं है। तो सीरीज की पहचान क्या है, तो आइडेंटिटी ऑफ सीरीज क्या है, इफ सेम करंट, सेम करंट, इनफैक्ट करंट भी नहीं मैं बोल रहा हूं, विजुलाइज करना आपको, सेम इलेक्ट्रॉन जो एक से पास हो रहा है वही दूसरे से भी पास हो रहा है, इफ सेम करंट, दैट इज एक्चुअली एक ही इलेक्ट्रॉन की बात करनी चाहिए मुझे, बट टेक्निकली थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसके लिए करंट लिखा, इफ सेम करंट passes through each resistor, सबसे same current pass हो रहा है, then
resistors are said to be connected in series. Resistor are said to be connected in series. उसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन. कैसे? ये एक रेजिस्टर है और ये एक रेजिस्टर है. अगर एक इलेक्ट्रॉन इससे पास हो रहा है तो वही इलेक्ट्रॉन को इससे भी पास होना पड़ेगा. उसके पास ऑल्टरनेटिव पाथ नहीं है. नहीं, ये देखो, जो 100 इलेक्ट्रॉन यहां से निकलते हैं, जरूरी नहीं कि 100 के 100 इससे ही जाए. हाँ, ये अगर मैं कनेक्शन तोड़ दूं तो ये फिर सीरीज में हो जाएगा. भाई जो इलेक्ट्रॉन इससे निकला उसको इससे भी निकलना पड़ेगा. अभी जब ये ऑल्टरनेट पाथ है मेरे पास यहाँ पे, आई हैव एन ऑल्टरनेटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन्स के पास ऑप्शन है, वो इधर भी जा सकते हैं इधर भी जा सकते हैं. तो इलेक्ट्रॉन विच पासेस थ्रू फर्स्ट रेजिस्टर नॉट नेसेसरली पासेस थ्रू दिस और दिस, उसके पास ऑप्शन पड़ा हुआ है. सो देयर इज एन ऑप्शन. तो इसमें कोई सीरीज नहीं था. देयर इज नो प्योर सीरीज इन दिस, राइट? हाँ, ये सीरीज में क्यों? द इलेक्ट्रॉन विच पासेस थ्रू दिस रेजिस्टर आर वन मस्ट पास थ्रू दिस रेजिस्टेंस आर टू. जो पहले रेजिस्टेंस से पास हो रहा है उसको सेकेंड रेजिस्टेंस से भी पास होना पड़ेगा. ऑल राइट? यस सर. समझ में? तो ये है आइडेंटिटी सीरीज कॉम्बिनेशन की. कोई कहे पहचानो इनमें से क्या सीरीज है क्या पैरेलल है, तो आपको सोचना है जो करंट पहले से पास हो रहा है वही दूसरे से भी पास हो रहा है क्या. हाँ, पास हो रहा है. अगर पास हो रहा है तो दे आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन. तो वो जो रेजिस्टर है दोनों, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज. अगर नहीं पास हो रहा है तो दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल. मतलब फिर देखना पड़ेगा दूसरा क्या कॉम्बिनेशन. तो चलो, आप पहचान गए एटलीस्ट कि सीरीज है या नहीं है. अब देखो प्रॉपर्टीज, जो पॉइंट्स आपको याद है ना. पहला, सेम करंट पासेस थ्रू, करंट पासेस थ्रू रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज. ये तो आप बोल रहे, आपने डेफिनेशन वापस लिख दी, आइडेंटिटी वापस लिख दी. हाँ, तो वापस लिखिए, लेकिन आपको याद रहना है पासेस थ्रू रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज. ठीक, अब दूसरा चलते हैं. वोल्टेज की क्या कहानी है? वोल्टेज की क्या कहानी है? मैंने एक सेल लगाया है, 10 वोल्ट का सेल है. ये रेजिस्टर्स पक्का कनेक्टेड इन सीरीज है. ठीक, ये 10 वोल्ट का सेल है. अगर आपको याद हो तो 10 वोल्ट का मतलब क्या था? एक कूलम यहां से चलेगा, ऐसा चलेगा चलेगा चलेगा, इससे जाएगा इससे जाएगा, इससे पास होगा यहाँ आएगा. उसके पास 10 जूल एनर्जी है खर्च करने के लिए. कितनी एनर्जी है उसके पास? 10 जूल्स एनर्जी है उसके पास स्पेंड करने के लिए टू ट्रेवल बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ द सेल. तो कुछ एनर्जी वहां, वो यहाँ स्पेंड करेगा, कुछ एनर्जी यहाँ स्पेंड करेगा, कुछ एनर्जी यहाँ स्पेंड. सपोज यहाँ एनर्जी स्पेंड करता है V1, यहाँ V2, यहाँ V3. तो इन तीनों का सम क्या होगा? व्हाट विल बी सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रेजिस्टर? कई बार बताया बेटा, बताओ, अच्छा लगेगा मुझे. ये तीनों का सम क्या होगा? सर, इन तीनों का पोटेंशियल ड्रॉप का सम 10 वोल्ट होगा. सर, अगर तीनों सर वो है, एक क्या बोलते सर, मतलब एक जैसे रेजिस्टर्स हैं, एक ही एक ही तरह के. ये तीनों का सम की गारंटी क्या है? हाँ सर, पर वो 10 ओम. बिकॉज़ मैंने आपको बताया था ये आप हो सीरीज में है. सीरीज तो अभी अब सिखा रहा हूँ मैं आपको. हमेशा बोलता हूँ कॉन्सेप्ट डेवलप करो. हाँ, टेंथ में आप मजा आएगा कॉन्सेप्ट डेवलप करने में. मैंने आपको बताया था ये आपका घर है. आप यहाँ से निकले हो, तीन शॉपिंग मॉल है रास्ते में या शॉप्स हैं, तीनों में कुछ ना कुछ शॉपिंग करके आप घर लौटोगे. आपको 1000 रुपए खर्च करने के लिए मिले, तो समथिंग यू विल स्पेंड इन द फर्स्ट शॉप, समथिंग विल स्पेंड इन द सेकंड, एंड देन सम इन थर्ड. आपके पास सेविंग करने वाला ऑप्शन नहीं है, तो तीनों में जो स्पेंड करोगे वो टोटल 1000 हो. तो यहाँ से 10 वोल्ट, मतलब 10 जूल्स एनर्जी 1 कूलम लेके चलता है, उसको घूम के वापस आना. तो जो तीनों रेजिस्टर्स में एनर्जी खर्च करता है उसका टोटल 10 आना चाहिए, राइट? तो इसलिए हम लोग बोलते हैं वोल्टेज की कहानी क्या है? सम ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, छोटी छोटी लिखा रहा हूं मैं. सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस
each resistor connected in series, each resistor connected in series is equal to अप्लाइड वोल्टेज, जो वोल्टेज आप लगाओगे या सेल. तो सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज इज इक्वल टू अप्लाइड वोल्टेज. तो वोल्टेज बेसिकली गेट्स एडेड, दैट इज वोल्टेज गेट्स एडेड इन सीरीज, गेट्स एडेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन. पैरेलल में क्या होता है, सॉरी करंट का क्या होता है, सर एक और बार क्लियर कर दीजिए सर. मतलब ये रहेगा कि 1 कूलम जो चार्ज है वो अगर 10 जूल एनर्जी अपने साथ लेके निकला तो सर V1 पे वो थोड़ी सी स्पेंड कर देगा, एनर्जी से स्पेंड करेगा अपनी, ना कि उसका वो 1 खत्म होगा, वो एनर्जी जूल कंज्यूम होगा. भाई 10 वोल्ट का मतलब क्या होता है, देखो ना ये आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है. वोल्टेज का मतलब आपको समझ में आना चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट्स गिवन इन एनसीईआरटी. इनफैक्ट इसके ऊपर एक दो क्वेश्चंस भी लिखे हुए हैं वहां पे. 10 वोल्ट का मतलब ही होता है कि पर कूलम 10 जूल्स एनर्जी है यहां से चल के यहां से चल के यहां से चल के यहां, यहां से घूम के यहां आने के लिए आपके पास 10 जूल्स एनर्जी है पर कूलम, एक कूलम के पीछे, राइट. तो अब एनर्जी खर्च कहाँ होती है, एनर्जी स्पेंड होती है रेजिस्टर के अंदर. तो रेजिस्टर के अंदर एनर्जी स्पेंड करने के लिए अपने पास कहाँ है, यही एनर्जी है, 10 जूल्स है. थोड़ी यहाँ खर्च होगी, थोड़ी यहाँ, थोड़ी यहाँ, तीनों का टोटल क्या आएगा, 10 आएगा बिकॉज उसको 10 मिला ही है, तो 10 से ज्यादा नहीं कम नहीं, राइट. वर्क कंज्यूम होता है ना, कि मेरे को सर पहले कभी कभी एकदम चार्ज कंज्यूम हो रहा है, चार्ज कंज्यूम ना होता बेटा, चार्ज रिमेन्स कंजर्व. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पढ़ाया था मैंने, चार्ज कंज्यूम जैसी कुछ चीज नहीं होती, एनर्जी खर्च होती जाती है. सेल क्या करता है, एनर्जी देता है. अगर आप स्टार्टिंग के चैप्टर्स मेरे लेक्चर्स को रिवाइज करोगे तो वहां पर क्लियरली मैंने बोला है सेल का काम है इलेक्ट्रिकल एनर्जी देना, वो एनर्जी चार्ज पार्टिकल्स को मिलती है और आगे चलते चलते खर्च होती जाती है. इसलिए बोलता हूँ कुलदीप तू भी रिवाइज किया कर, मुझे मालूम है आता है तुझे, बट सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सब में सेम होता है, वोल्टेज डिवाइड हो जाता है, वोल्टेज गेट्स एडेड अप टू, मतलब वोल्टेज जो होगा वो सब में एड होगा, टोटल वोल्टेज मिलेगा, एंड करंट जो होगा तीनों में सेम आता है. तो करंट रिमेन सेम वेर एज वोल्टेज गेट्स एडेड. ये किसमें कहानी होती है, ये होती है आपके सीरीज में, ठीक है. नेक्स्ट है, अब देखो करंट सेम है, ये तीनों रेजिस्टर्स में करंट सेम है, ये रेजिस्टर R1, R2, R3 है, ठीक है, R1, R2, R3 है. तो बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बोल रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखना. तो तीनों रेजिस्टर्स में करंट सेम है, ओम्स लॉ क्या बोलता है, V इक्वल्स टू IR. मैं आपसे पूछता हूं V1:V2:V3 क्या होगा, तीनों रेजिस्टर्स पे जो वोल्टेज ड्रॉप आया है उसका रेशियो क्या होगा, बस दस मिनट, व्हाट विल बी रेशियो ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप्स अक्रॉस R1 सर, उसके रेजिस्टेंस का रेशियो होगा क्योंकि सर आई तो कॉमन रहेगा, तो सेम है, तो IR1, IR2, IR3 तो आई कैंसिल ही हो गया, तो बचा R1:R2:R3. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, मेरा फेवरेट स्टेटमेंट है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज series is in the ratio of resistances. Yeah? Potential drop across resistors connected in series is in the ratio of resistance of resistors.
जो रेजिस्टर्स आपने सीरीज में लगाए हैं उनके जो रेजिस्टेंसेस हैं उन्हीं रेशियो में आपका वोल्टेज डिवाइड होगा। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लिख के दिखाता हूं, ये 3 ओम है, ये 6 ओम है, ठीक है, इसके अक्रॉस मैंने कितना 12 वोल्ट लगाया है, तो पहले पे कितना आएगा दूसरे पे कितना आएगा आप जस्ट देख के बता सकते हो, बताओ जरा। 12 वोल्ट टोटल लगाया तो इस पे कितना आएगा इस पे कितना आएगा, 6 आएगा, 2 10 आएगा, क्या क्या आएगा, 10। बोलो, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी आपको, ये प्रॉपर्टी लगा के बोलना। कैलकुलेशन मैंने आपको बहुत बार सिखा चुका अलग अलग, ये प्रॉपर्टी आपको दिमाग में डालनी है। सर 3 ओम में शायद 4 वोल्ट रेजिस्टेंस आएगा और 6 ओम में 2 वोल्ट रेजिस्टेंस आएगा, 8 वोल्ट आएगा। हाँ सर 8 वोल्ट, 8 वोल्ट, क्योंकि इसमें V1 है इसमें V2, तो V1:V2 जो रेशियो ऑफ वोल्टेज है वो रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस है। सर मैं 8 वोल्ट ही बोल रहा था कि मैं सोची कि सर अगर 3:4 12 है तो 6:2 ऐसे कर देता हूँ, लेकिन सर फिर कंफ्यूज हो गया मैं थोड़ा। तो रेशियो में डिवाइड होगा 1:2 के रेशियो में, टोटल वोल्टेज कितने पास है 12 है, तो उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करो, उनका रेशियो 1:2 होना चाहिए, तो एक 4 ले लो और एक 8 ले लो, राइट समझा ना, तो एक को 4 ले लो एक को 8 ले लो। यस सर। अभी एक और इसमें एग्जांपल बोलता हूँ, फटाक से बताओ, बाकी लोग भी बताओ क्यों नहीं बता रहे, ये तो कितना इजी चीज पूछ रहा हूँ मैं, ये तो सिंपल मैथ्स है। एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, इस बार कामाक्षी बताएगी, कामाक्षी ने अभी एक भी आंसर नहीं दिया। कामाक्षी कामाक्षी बताओ, 12 वोल्ट है, 3 रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज 2, 2 एंड 4, उनके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या क्या आएंगे, कामाक्षी नहीं बता रहे, सुमन सुमन बेटा क्यों ऐसा कर रहे हो तुम लोग, ये ट्राई भी नहीं करते। ये 12 वोल्ट है, ये रेशियो कितना है 2:2, 2:4, यानी 1:1:2, तो 1/1+1+2 1/4 ऑफ टोटल 3 वोल्ट इस पे जाएगा, इस पे 1/4 ऑफ टोटल 3 वोल्ट इस पे जाएगा, 2/4 ऑफ टोटल यानी 6 वोल्ट इस पे जाएगा, तो 3 वोल्ट 3 वोल्ट 6 वोल्ट, चलो कोई सुन ही नहीं रहा लग रहा मुझे आज। सर वो रेशियो का सर आपने कैसे डिवाइड किया सर, समझ नहीं आ रहा मेरे को। अच्छा तुझे भी नहीं समझ में आया, ये 2 ओम है, 2 ओम है, 4 ओम है, तो कौन से रेशियो में वोल्टेज डिवाइड किया, 2:4 सर रेशियो में कैसे किया, 1:4:12 कर दिए 1 ये क्या। अच्छा हाँ सर वो थ्योरम प्रॉपर्टी, हाँ अरे बाबा सपोज दिस इज कभी पढ़ाया ही नहीं गया सर, ये सर थ्री वाला मैंने तो सीखा था सर कहीं से, ये पढ़ाते ही नहीं है कोई, ये 3:3 में अगर रेशियो में आ जाए तो कैसे डिवाइड करेंगे, 2 में ही हम लोगों की जिंदगी निकल गई है। चल ठीक है, तो हम लोग ऐसे करते हैं ना, सपोज फर्स्ट में x, सेकंड में x, थर्ड में 2x, तो उनका टोटल हो गया 4x, बट 4x का वैल्यू 12, तो x का वैल्यू 3, तो 3 हो गया, तो इस पे 3, इस पे 3, इस पे 6। बाकी अब आप बड़े हो जाओ, अब आपको ऐसे चुटकी में करना होगा, उसको देखते नहीं हम लोग, 2:3:5 में डिवाइड करना है किसको, सपोज 40 एक नंबर जिसको 2:3:5 में डिवाइड करना है, तो 2 अपॉन टोटल 2:10 ऑफ दिस, 3:10 ऑफ दिस, खत्म। ये तो ऐसे फिंगर्स पे करना होगा आपको, थोड़ी ना बहुत हार्ड लगता है सर, मैं पहले मालूम नहीं रहता हूँ सर,
कभी पढ़ाया नहीं गया है तो भूल जाया करते हैं। कल कोई नहीं, अभी सब बताऊंगा मैं धीरे धीरे। तो ये 2:3:5 के रेशियो में डिवाइड करना है, मतलब 2/10 ऑफ टोटल एक पे होगा, 3/10 ऑफ टोटल दूसरे पे, 5/10 ऑफ टोटल तीसरे पे। तो 2/10 ऑफ टोटल इज 8, 3/10 ऑफ टोटल इज 12, 5/10 ऑफ टोटल इज 20। सिखाऊंगा मैथ्स के भी शॉर्टकट ट्रिक्स सिखाऊंगा, लेकिन थोड़ा टाइम के बाद, पहले फिजिक्स डेवलप हो जाए अपनी। चलो तो ये हो गया सीरीज की कहानी। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और एक और चीज है, वो नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ। प्लीज जो लोग भी अटेंड कर रहे हैं, सुमन कामाक्षी, प्लीज रिवाइज करो एंड रिस्पॉन्ड करो। जब बोलते नहीं हो तो ऐसा लगता है जैसे मैं पता नहीं क्या बोल रहा हूँ, कुछ दूसरे सिलेबस की बात कर रहा हूँ, ऐसा लगता है सीबीएसई बोर्ड छोड़ के मैं जुपिटर बोर्ड पढ़ा रहा हूँ। चलो नेक्स्ट क्लास में रिवाइज करके आओ। ओके सर।